जाएंगे और जो बच्चे ये आश्रम की हैं जो यहाँ मुझे बहुत खुशी इसी बात में कि आज मैं बच्चों को सुनने के लिए बोला स्वाभाविक संसारे का क्या होता है कि कुछ कुछ कार्यक्रम होता है जो लोग आते हैं मौसम लेके चले गए लेकिन जो बच्चे यहाँ का है उसको सुनने में उसे बहुत सुनने के लिए ये तो सबसे एक आज का जो कार्यक्रम है उसमें कोई देखने का जरूरत नहीं है सुनने का जरूरत है क्योंकि आपने जो ये एक्सपेरिमेंट जो बयालीस साल से किया बहुत बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बच्चों को बनाना उनको शिक्षा देना और एक अलग तरीके से सबसे बढ़िया तो ये बच्चों को देखते अभी जो माहौल है देश विश्व में ये माहौल में बच्चों के अंदर बहुत कुछ बीस भक्ति करते हैं और ये जो मदद का जो मूल्य है बच्चों के पास आना और इनको कुछ बनाना सबसे कठिन था मुझे याद है मैं जब पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण साहब के पास काम करता था उस वक्त राष्ट्रपति जी ने जर्मनी जाना जर्मनी को एक स्टेट विजिट में जाना तो मैं इनके साथ ही गया जर्मनी जाने से पहले एक चिट्ठी आया जर्मनी से कि बर्लिन में एक स्कूल था उस स्कूल का नाम था नंबर 10 नंबर 10 और बहुत सालों से स्कूल के शिक्षक थे काफी कोशिश कर रहे थे कि उस स्कूल का नाम एक बड़े इतिहास से बड़े महान आदमी के नाम पे उन्होंने कुछ निश्चित नहीं किया था तो बच्चे को कुछ मुझे हमने कुछ नहीं कह देता बताया कि कौन सा महान नेता के नाम है स्कूल का नाम होना चाहिए तो बच्चों के पास जब उन्होंने छोड़ दिया बच्चों ने सारे मिल के जर्मन स्कूल का बच्चों सारे मिल के महात्मा गांधी का नाम उन्होंने छोड़ दिया कोई भेद नहीं था तो टीचर्स को बड़ा ताजुब हो गया कि बच्चों ने गांधी जी का नाम भारत के महात्मा गांधी का नाम क्यों छोड़ दिया तो उन्होंने बच्चों से पूछा बच्चों ने कहा कि सारे विश्व के लिए इतना हिंसक रहता भारत की महात्मा गांधी जी अहिंसा का बात करते इसीलिए पूरा बच्चों का सारे बच्चों ने मिलकर महात्मा गांधी का नाम और एक चिट्ठी आया राष्ट्रपति जी को भारत की राष्ट्रपति कि आपको जर्मनी में आना स्कूल के अंदर गांधी जी का एक जो पोर्ट्रेट है वो अनावरण थी गांधी जी का पोर्ट्रेट तो इसी तो बच्चों के अंदर एक भावना आया कि काफी साल पहले भारत के महात्मा गांधी ने इसे काम किया और कुछ दिन पहले ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पढ़ा था काफी साल पहले तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो महिषा से बने अभी उन्होंने तय किया अगस्त में कि के आर नारायण की स्मृति में एक भाषण शुरू कर दिया और पहला भाषण देने के लिए उन्होंने बुलाया पहला सत्र और पहला सत्र थी नोबेल प्राइज शांति
और
दिखाई दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे पड़ोस में एक इतना बड़ा मिशन चलाए हुए हैं और सभी हम जैसे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत समय से आपका कार्यक्रम चल रहा है, देर से आपके साथियों से इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके कार्यक्रम में पहुंच करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझते हैं। इस कार्यक्रम को मना के इस तरह में एक बार फिर आपका इतने बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए, इतने बढ़िया कार्यक्रम चलाने के लिए, तो बच्चों के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं